हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने जा रही हूँ आपको टूड़ा बनाने वाली मशीन। फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ऐसी मशीन्स आ रही हैं जिनके थ्रू जो गेहूं है वो बड़ी जल्दी से निकाला जा रहा था। हमारे फार्म पे जो हमने गेहूं लगाए थे वो कुल एक घंटे के अंदर ही मशीन ने सारे निकाल दिए थे। और ये देखो, यहाँ पे अब जो मशीन दिखा रही हूँ मैं, ये है टूड़ा बनाने वाली मशीन। जो गेहूं काटने वाली मशीन थी उसमें क्या था कि थोड़ा सा वो प्रॉपर तरीके से नहीं काट पा रही थी, तो ज़मीन के साथ जो रह गए थे इसके रिमेन्स, उनको उनका टूड़ा बनाने के लिए ये वाली मशीन आती है। फ्रेंड्स ये देखो, नज़दीक से दिखाना चाहूँगी आपको। ये जो होल बना रखा है इसके अंदर सारा टूड़ा इकट्ठा हो रहा है, और ऊपर की साइड ये देखो, जब इकट्ठा हो रहा है तो इतनी ज़्यादा धूल निकल रही है इसमें से। इसी वजह से इसको चारों तरफ से देखो आप किस तरह से कवर कर रखा है, उसके बाद भी धूल निकल रही है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, इस मशीन के वजह से अब जो हमारी धरती है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे उस पर झाड़ू मार दिया हो, और उसके बाद बस खेत को जोत लेंगे और नई फसल के लिए तैयार हो जाएगी ज़मीन। ये देखो आप, ये धूल इस तरीके से सारी जगह स्प्रेड हो रही है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रदूषण हो जाता है, लेकिन चलो थोड़े ही दिनों की बात है। फ्रेंड्स, आपने बहुत लोगों को गन्ना चूसते हुए देखा होगा, लेकिन ये स्टाइल शायद पहली बार ही देख पा रहे होंगे। देखो, गिलास रख रखा है, गिलास के अंदर सारा जो इसका रफ निकला है वो रख दी है, और ये देखो चूस रही है मुझे से बैठ के गन्ना। और हलवा दिया था उसके अंदर देखो, किशमिशें सारी अलग निकाल के रख दी हैं, हलवा सारा खा लिया। क्या हो रहा है बेटी, हलवा क्यों नहीं खाया? तो फिर वो तो ख़त्म करना था ना बेटी, तो वो तू खा ले। आजा 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 आजा। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, पर ये तरीका तूने गजब डाया। ठीक है, अब इसको डस्टबिन में डाल दियो, उठा के एक भी गंदगी आमद पड़ने दियो। हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ। रात के 9:30 बज चुके हैं, और जो गेहूं निकालने का और गेहूं कटाई का काम है वो अभी भी चल रहा है। ये देखो मशीन फ्रेंड्स, ये जो काम है ये रात दिन चल रहा है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी हो गया है वातावरण में। मशीनें लगातार चल रही हैं, और लेकिन ये भी अच्छी बात है कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।